चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत के नाव लेके समुंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। ऐसे ही दो राजपूत, एक चित्तौर के राजा रावल रतन सिंह और दूसरी अप्सरा से भी सुंदर उनकी पत्नी रानी पद्मिनी उर्फ पद्मावती। उनकी एक महान गाथा सदियों से सुनाई जा रही है। ये कहानी सन 12वीं-13वीं शताब्दी की है। उस समय चित्तौर पर राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज था। वो बहुत ही नेक और साहसी थे और उन्होंने हमेशा अपने राज्य के लोगों से प्यार किया और उनका ख्याल रखा। वो एक पराक्रमी योद्धा, एक अच्छे शासक और पति थे। उनकी सभा में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति और अच्छे कलाकार थे। वे कला का सम्मान करते थे और अच्छे कलाकारों को इनाम भी देते थे। उनके राज्य में एक बहुत अच्छा संगीतकार था जिसका नाम था राघव चेतन। सभी लोग उसको एक अच्छे गायक के रूप में जानते थे, लेकिन राघव को काला जादू भी आता था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। राघव ने इस काले जादू को अपने ही राजा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया। इस बात का पता चलते ही रावल रतन सिंह ने सजा के रूप में उसका मुंह काला करवाकर और गधे पर बिठाकर उसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। रतन सिंह की इस कठोर सजा की वजह से राघव चेतन उसका दुश्मन बन गया। इसके बाद राघव चेतन ने दिल्ली की तरफ जाने की ठानी और वहां जाकर वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौर पर आक्रमण करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा। दिल्ली पहुंचने पर राघव दिल्ली के एक जंगल में रुक गया जहां पर सुल्तान अक्सर शिकार के लिए आया करते थे। एक दिन जब उसको पता चला कि सुल्तान का शिकार दल जंगल में प्रवेश कर रहा है, तो राघव ने अपनी सुरीली बांसुरी बजानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में बांसुरी के सुर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी और उसके दस्ते के सिपाहियों के कानों में पड़े। अलाउद्दीन खिलजी फौरन राघव को अपने पास बुला लेता है और राज दरबार में आकर अपना हुनर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव देता है। शातिर राघव चेतन ने उसी वक्त अलाउद्दीन खिलजी से कहा, आप मेरे जैसे साधारण कलाकार को अपने राज्य दरबार की शोभा बनाकर क्या पाएंगे? अगर हासिल करना ही है तो अपने संपन्न राज्यों की ओर नजर दौड़ाइए जहां एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने मौजूद हैं। राघव चेतन चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और वहां की संपदा से जुड़ा एक एक राज खोल देता है और राजा रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताता है। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को देखने के लिए उतावला हो जाता है। राघव की बातें सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ही दिनों में चित्तौर राज्य पर आक्रमण करने का मन बना लिया और अपनी एक विशाल सेना चित्तौर राज्य की ओर रवाना कर दी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौर तक पहुंच तो गई, पर चित्तौर के लिए की अभेद सुरक्षा देखकर अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना चौंक गई। चित्तौर पहुंचते ही अलाउद्दीन खिलजी के हाथ निराशा लगी, क्योंकि उन्होंने पाया कि चित्तौर को चारों तरफ से सुरक्षित तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन वो रानी पद्मावती की सुंदरता को देखने का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने राजा रतन सिंह के लिए एक संदेश भेजा कि वे रानी पद्मावती को बहन मानते हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर रानी पद्मावती की एक शर्त थी कि उनके चेहरे को सुल्तान आईने में देखेंगे, ना कि सीधे, और वो भी 100 दासियों और राजा रावल रतन सिंह के सामने। जब अलाउद्दीन को यह खबर पता चली कि रानी पद्मिनी उनसे मिलने को तैयार हो गई है, तो वे अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ सावधानी से किले में प्रवेश कर गए। रानी पद्मिनी के सुंदर चेहरे को शीशे में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, तो उसने सोच लिया कि रानी पद्मिनी को वो अपना बनाकर ही रहेगा। वापस अपने शिविर में लौटते वक्त अलाउद्दीन कुछ समय के लिए रतन सिंह के साथ चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और उनके बदले राज्य से पद्मिनी की मांग की।
इसके बाद राजमहल से खिलजी को संदेश आया कि अगली सुबह पद्मावती उन्हें दे दी जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही 150 पालकियां किले से सुल्तान खिलजी के शिविर की तरफ रवाना की गई। पालकियां वहां रुक गई जहां रतन सिंह को बंदी बना रखा था। रतन सिंह और खिलजी के सैनिक जब ये देखते हैं कि चित्तौर से पालकियां आई है तो उन्हें लगता है कि रानी पद्मिनी भी इन पालकियों में आई है। इससे रतन सिंह बहुत अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए इन पालकियों में से रानी या उनकी दासियां नहीं बल्कि नारी के लिबास में रतन सिंह की सेना के योद्धा निकलते हैं। वो जल्दी से अपने राजा रतन सिंह को आजाद करवा कर सुरक्षित चित्तौर के महल में पहुंचा देते हैं। रतन सिंह की कैद से आजाद होने की खबर जब सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचती है तो वो आग बबूला हो उठा और उसने तुरंत चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। सुल्तान की सेना ने चित्तौड़ की सुरक्षा दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, उनके किले में प्रवेश करने की कड़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तभी सुल्तान खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का फैसला किया। कई दिनों तक इतनी कड़ी घेराबंदी की वजह से किले के अंदर खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा। अंत में राजा रावल सिंह दरवाजा खोलकर अपनी सेना को खिलजी की सेना से मरते दम तक युद्ध करने का आदेश देते हैं। धीरे धीरे रतन सिंह की सेना हारने लगती है। खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध में राजा रतन सिंह के मारे जाने और चित्तौड़ की सेना की हार की खबर सुनते ही रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ की सभी महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। उनके मुताबिक दुश्मनों के हाथ लगने से बेहतर जौहर करना ही था। जौहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शाही महिलाएं अपने दुश्मनों के साथ रहने के बजाय खुद को एक विशाल अग्निकुंड में न्यौछावर कर देती है। इस विनाशकारी विजय के बाद अलाउद्दीन की सेना केवल राख और जले हुए शरीर को देखने के लिए ही किले में आ सकी। इतिहास में राजा रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और चित्तौड़ की सेना वहां के आम नागरिक भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।